तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो है मेडिकल, वो 12 सितंबर से चल रहा है। और आज का जो अपडेट है, आज का जो वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो री मेडिकल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। री मेडिकल में कितने सिलेक्शन रेट रह रहा है, कितना परसेंटेज जो है वो कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हो रहे हैं री मेडिकल में, और कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो है कि पॉइंट मिल रहा है री मेडिकल के लिए। अगर बहुत सारे ऐसा अपडेट है जो कि हो सकता है आप सभी के लिए बैड न्यूज़ भी हो, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं री मेडिकल में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। कौन सा पॉइंट है जिसमें अगर आपको पॉइंट मिल गया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा री मेडिकल में भी। तो देखिए, इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनूपाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा पॉइंट है री मेडिकल का, जिसमें मैक्सिमम लड़कों को, कैंडिडेट्स को जो है री मेडिकल मिल रहा है, वो है आप लोगों का आई विज़न। जो डिस्टेंस विज़न है उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। और कलर विज़न जो है, तो वो तो बिल्कुल भी आप लोगों का नेगलेट है। अगर कलर विज़न में पॉइंट मिल गया तो आप उसमें 100% है कि आपको री मेडिकल में भी जो है वो आपको छाँट दिया जाएगा। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आपको मिल रहा है, पहला पॉइंट आपको बता दिए कि आई डिस्टेंस में हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को पॉइंट मिल रहा है। और दूसरा जो अभी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, तो इसमें जो है कि री मेडिकल मिलने के बाद जो है री मेडिकल में भी आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट को इसमें करीब 90% जो है कि अगर इसमें पॉइंट आपको मिल रहा है तो आप उसमें जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए, आपको अगर आईज में पॉइंट मिल गया है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। 10% चांस है कि आपको री मेडिकल से आप वापस आ पाएंगे। और दूसरा, अगर आपको वेंस में प्रॉब्लम है, नस में, अगर नस आपका मोटा है और उसमें आप लोगों को अगर पॉइंट मिलता है तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा री मेडिकल में। बहुत कम चांस है कि आप री मेडिकल से बाहर आ पाएंगे सेलेक्ट होके। और तीसरा जो है, अगर वो आपको हाइड्रोसिल में अगर पॉइंट मिल गया है स्टार्टिंग में, अगर जब आपका डीएमई में आपको अगर पॉइंट मिल गया हाइड्रोसिल में, तो उम्मीद है कि आप फिर से आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा री मेडिकल में। और चौथा जो है डीएनएस का, अगर देखिए डीएनएस का हो रहा है क्या, कि डॉक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि डॉक्टर अगर किस तरह से चेक कर रहे हैं आप लोगों का डीएनएस में है। डीएनएस में भी अगर पॉइंट मिल रहा है तो उनको भी क्या बोलते हैं री मेडिकल में जाने के बाद उनका सिलेक्शन जो है कि नहीं हो पा रहा, बहुत कम उम्मीद हो जा रहा है कि उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये सब जो पॉइंट है, इसमें आप लोगों को री मेडिकल में जाने के बाद भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये सब पॉइंट जो ऐसा था जो जिसमें आप लोगों को री मेडिकल में जाने के बाद जो सिलेक्शन रेट रह रहा है, इसमें 90% जो है कि आप लोगों को रिजेक्शन मिल रहा है इसमें, और 10% ही है जो आप लोगों को इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट। और कुछ अच्छा भी न्यूज़ है, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिसमें सिलेक्शन रेट रह रहा है जो री मेडिकल में वो ज़्यादा रह रहा है। जैसे कि देखिए, दो पॉइंट पे है जो अभी तक, जहाँ तक अभी अपडेट है मेरे पास, दो पॉइंट में आपको री मेडिकल में पास कर दिया जा रहा है। लगभग 60-70% कैंडिडेट जो है कि इस दो पॉइंट में पास हो जा रहे हैं। पहला कौन सा पॉइंट है, तो पहला जो है आपका नोकनी में अगर आपको पॉइंट मिला है डीएमई में, तो आरएमई में हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाएं। अगर आपका दिन अच्छा रहता है और डॉक्टर अच्छे मिलते हैं, तब उसमें जो है 10 में से 7 लोग जो है वो पास हो जा रहे हैं री मेडिकल में, नोकनी में। और दूसरा पॉइंट जो है आप लोगों का, दूसरा पॉइंट, अगर आप लोगों को एल्बो में पॉइंट मिला है तो एल्बो में भी अभी 20 डिग्री कर दिया गया है, एल्बो में भी आप लोगों को पास करने का रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन था आपके शरीर में, कहीं दाग धब्बा है, तो उसके लिए अगर पॉइंट मिला है तो वो 100% है कि जो 100% नहीं कर सकते, लेकिन बहुत चांस है कि आप जो है कि पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। और तीसरा जो है वो कान में, अगर कान में अगर आपका बह रहा था या फिर कुछ आ रहा था कान में, तो उसमें अगर पॉइंट मिला है आप लोगों को, क्योंकि मीरू कैंप में जो है कि कान सिर्फ ऐसे ही चेक कर लिया जा रहा था, तो अगर कान में अगर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पानी आ रहा था, बह रहा था कान, तो उसमें जो आपको री मेडिकल अगर मिलता है तो उसमें वहाँ पर री मेडिकल में जाने के बाद आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये जो तीन चार पॉइंट है, जिसको आप पॉइंट मिलने पर भी ज़्यादा घबराइएगा नहीं, नोकनी हो गया और एल्बो हो गया और कान का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब अगर पॉइंट मिला है तो आप इसको चांसेस है कि आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को अगर आईज़ में प्रॉब्लम मिला, आईज़ में पॉइंट मिला है, दांत में अगर प्रॉब्लम मिल गया है और हाइड्रोसिल में अगर मिला है, तो इंटरनल में अगर प्रॉब्लम मिला है आप लोगों को, तो उसमें है जो कि री मेडिकल में आप लोगों को पॉइंट मिले, जो मिला है उसको आप क्लियर 90% जो है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं मेडिकल देने के लिए, वो इस बात का जरूर से ध्यान दें कि अगर ये सब प्रॉब्लम है जो अभी मेजर प्रॉब्लम आपको बताए थे, जिसमें से 90% जो है कि डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं री मेडिकल में, तो ये सब प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करके पहले से ही जाएं। अगर इन सब में अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो आप लोगों को दिक्कत होगा आगे चल के। तो
और ये आप जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर आपका भी अगर मेडिकल है या फिर रीमेडिकल है तो आपका कब था रीमेडिकल, और रीमेडिकल जिसका भी हो गया होगा उसे हम कॉन्टैक्ट करने का जरूर कोशिश करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर एक बार जरूर से मैसेज कर दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट मेडिकल देने जा रहे हैं उन सभी को जरूर कहेंगे कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डेट और सेंटर का नाम जरूर से लिखें। और कल शाम तक आप लोगों को कल्याणी, जो कि वेस्ट बंगाल में एक सेंटर पड़ता है, वहाँ पे आप लोगों को एक अपडेट मिल जाएगा कि वहाँ का किस तरह से सिलेक्शन हो रहा है। वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बहुत दिन तक आप लोगों का मेडिकल चल रहा है, तो क्या है वहाँ का रेट और किस तरह से वहाँ पे मेडिकल हो रहा है कल्याणी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ का अपडेट आप लोगों को कल शाम तक मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।